भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्ग से कैंडल मार्च निकाला गया। विश्वरत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिवस पर भीम अनुयायियों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर शांतता का संदेश देते हुए कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च अकोटफेल से शुरू होकर इसका समापन अशोक वाटिका में हुआ, जहाँ पे हजारों की तादाद में भीम अनुयायी शामिल हुए थे, जिसमें महिला, पुरुष, युवक, युवतियाँ, बालक बालिकाएं शामिल हुए थे। अशोक वाटिका पहुंचकर सभी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हार पुष्प समर्पित कर कैंडल जलाई और विनम्र अभिवादन किया। स्थानीय गोरक्षण रोड पर हरीश अश्विनी कॉलोनी में स्थानीय नागरिकों के विरोध के बावजूद ओपन स्पेस पर डीआर पाटिल विद्यालय का निर्माण किया गया था। लंबे समय तक मामला न्यायालय में चला। अंततः न्यायालय के आदेश के तहत सोमवार 5 दिसंबर को मनपा के अधिकारियों की उपस्थिति में विद्यालय को जमींदोज किया गया। जेसीबी के जरिए विद्यालय के कमरों को निष्कासित किया गया। मनपा की इस कार्रवाई से अकोला मनपा क्षेत्र में ओपन स्पेस पर कब्जा जमाने वालों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें दर्शकों कि अकोला के गोरक्षण रोड मार्ग पर स्थित हरीश अश्विनी कॉलोनी के भूखंड सर्वे क्रमांक 26/2 मौजा मलकापुर पर विदर्भ ग्रामीण शिक्षा संस्था की ओर से अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने तथा माध्यमिक और कनिष्ठ महाविद्यालय संचालित करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय नागरिकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सन 1992 में ओपन स्पेस पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत अकोला के कनिष्ठ न्यायालय में दाखिल की गई थी, जिस पर 31 जनवरी 2013 को न्यायालय ने पूरा अनधिकृत निर्माण कार्य ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। तो संस्था ने इस संदर्भ में स्थगनादेश लाकर न्यायालय में अपील दाखिल की थी। अंततः 11 नवंबर 2022 को इस मामले में जिला न्यायालय ने 2013 के न्यायालय के आदेश को कायम रखते हुए पूरा अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माण गिराने के आदेश दिए। इसी संदर्भ में कॉलोनी वासियों ने मनपा आयुक्त को न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई करने का निवेदन सौंपा। इस पर मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने न्यायालय के आदेशानुसार ओपन स्पेस पर खड़े डीआर पाटिल विद्यालय की इमारत को ढहाने के आदेश दे दिए। इस कारण मनपा का दल मौके पर पहुंचा और निष्कासन की कार्रवाई आरंभ की। संस्था की ओर से शाला में रखे डिस्क बेंच के अलावा अन्य सामग्री नहीं हटाई गई। इस कारण मनपा के दल ने पूरी सामग्री बाहर निकाली और पूरा निर्माण कार्य जमींदोज कर दिया। आपको बता दें दर्शकों कि अकोला महानगर पालिका ने 7 दिन पूर्व ही शिक्षा संस्था को स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दी थी, लेकिन शिक्षा संस्था ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया। नई शाला की कक्षाओं से सामग्री हटाई। इसी कारण मनपा ने जेसीबी और ठेकेदार के कर्मचारियों के सहयोग से सामग्री हटाई और लगभग 4 से 6 बड़े कमरों का निर्माण ढाया। इस निष्कासन कार्रवाई में लगे मनुष्य बल, जेसीबी और सामग्री के एवज में मनपा संबंधित शिक्षा संस्था से 7 लाख रुपए खर्च भी वसूल करेगी। ये कार्रवाई दक्षिण जोन के क्षेत्रीय अधिकारी देवीदास निकालजी, सहायक नगर रचनाकार संदीप गावंडे, अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले, प्रशांत बोले, प्रतीक कटारमल, सुरक्षा रक्षक रूपेश इंगले, वैभव कवाड़े, सैयद रफीक, योगेश कंचनपुरे, स्वप्निल छिनखेड़कर, गुलाब मुस्तफा, अब्दुल रज्जाक, स्वप्निल पवार, धीरज पवार, पवन चौहान, सोनू गायकवाड़ समेत अभिकर्ता के कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वसंत देसाई स्टेडियम में जिला स्तरीय तैराकी स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा में विजयी खिलाड़ियों का जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया तथा भविष्य में होने वाली स्पर्धा के लिए शुभकामनाएं दी। इस स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का विभागीय स्पर्धा के लिए चयन हुआ तथा खिलाड़ी स्पर्धा के लिए रवाना हो गए। मास्टर पावर स्विमिंग क्लब में आयोजित जिला स्तरीय तैराकी स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विभागीय स्पर्धा के लिए अपना स्थान तय कर लिया। विजयी खिलाड़ियों का जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करते हुए भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी थी। खिलाड़ियों को विनायक कोच योगेश पाटिल, तैराकी टीम के सचिव मंगेश चंदन बटवे, प्रशिक्षक दीपक सदानशिव, विशाल पोहेकर, मोहिल खरात, प्रमोद खड़नारे, दिनेश वाघ,
सतीश पंजादे, अभिटाले गौरव लोल, ज्योति पनपालिया आदि का मार्गदर्शन रहा। युवरखेड में एक आक्रामक बंदर ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मालेगांव की महिला बेबी बाइक गवाई गंभीर रूप से घायल हो गई, जो फिलहाल नागपुर के एक अस्पताल में मौत से जूझ रही है। आपको बता दें कि तेलाना तहसील के मालेगांव बाजार की निवासी श्रीमती बीबी बाई विश्वास गवई अपनी बहन सरस्वती नानाराव इंगले से मिलने युवरखेड की इंदिरा नगर परिसर आई थी। जब बीबी बाई घर की छत पर अपने कपड़े सुखाने गई, वहां बैठे तीन चार काले बंदरों के झुंड में से एक बड़े काले बंदर ने उन पर अचानक से हमला कर दिया और उन्हें छत की गैलरी से नीचे धकेल दिया। इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना लगभग 30 नवंबर को हुई। इससे पहले उनको युवरखेड के एक अस्पताल में भेजा गया था, पर हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने आगे के इलाज के लिए तुरंत उन्हें अकोला भेज दिया। अकोला में डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया गया, लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद उनकी पीठ में कई सर्जरी के लिए उन्हें नागपुर के जीएमसी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी पीठ की हड्डियों में कई फ्रैक्चर हैं। वहाँ डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उनका ऑपरेशन करने का फैसला किया। उनकी पीठ के निचले हिस्से में गंभीर चोट के कारण अब वो बैठ नहीं सकती। बेबी बाई के घर और रिश्तेदारों की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। वे खेती का काम कर ही अपनी उपजीविका चलाते हैं। उनके परिजनों ने बताया कि वो उठ नहीं सकती, इसलिए सरकार और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके इलाज और आगे के भरण पोषण के लिए तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए और वन्य जीवों की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस तरह की लिखित मांग उन्होंने एक बयान के जरिए संबंधितों से की है। सिटी जंक्शन के लिए युवरखेड से धीरज बजाज, अर्जुन खिरोडकर, इनकी खास रिपोर्ट।